नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसु। इस वक्त हम छतरपुर के चौक बाजार पर खड़े हुए हैं, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री राम का विशाल दरबार सजाया गया है। ये मूर्ति निर्माण जो किया गया है, इसमें दिनेश महाराज के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति कायाकल्प यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं ये सुंदर दरबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, इस दरबार में पूरी तरह साज सज्जा की गई है। बगल में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विद्यमान है, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर माता सीता भी विद्यमान है। ये विशाल दरबार यहाँ पर श्री राम सेवा समिति के द्वारा सजाया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार सजाया गया है। यहाँ हम आपको बता दें, हमारे साथ समिति के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे श्री राम सेवा समिति के द्वारा ये विशाल दरबार जो सजाया गया है, इस पर कोरोना गाइडलाइन पर क्या पालन हो रहा है और इस दरबार के बारे में आप क्या कह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, दरबार के बारे में हम बताएं, कितनी विशाल मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, भगवान श्री राम का दरबार सजाया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम दरबार सजाया गया जी। पिछले वर्ष जैसे कोरोना के कारण राम दरबार नहीं सजा था जी, इस वर्ष हमारी समिति का निर्णय हुआ कि राम दरबार लगेगा, मगर पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चलेगा जी। इसमें लोगों को दूर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं जी। जो लोग आते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सुबह शाम श्री राम राजा सरकार की आरती होती है और राम दरबार हमारे दिनेश महाराज जी के द्वारा हर वर्ष बनाया जाता है, उनके द्वारा बनाया गया है। और हमारी समिति का एक उद्देश्य था कि जैसे पिछले वर्ष कोरोना काल में राम दरबार नहीं लग पाया, कि भगवान को विराजमान करे प्रशासन और शासन और सारा देश, सारा विश्व हार चुका है कोरोना से, तो प्रभु के शरण में क्यों ना चला जाए। यही प्रभु इस कोरोना को अपनी इस दुनिया से और इस विश्व से, इस भारत से इस कोरोना को भगाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी समिति ने निर्णय लिया के भगवान की पूजा करेंगे, ना भीड़ ना भाड़ ना कुछ नहीं होगा हमारे दरबार में, पूरी कोरोना ना गाइडलाइन का पालन होगा, सभी लोग मास्क लगा के आते हैं, सुबह शाम आरती होती है, दिन भर दरबार बंद रहता है, सुबह शाम पट खुलते हैं, प्रभु दरबार।